नमस्कार, हक की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। यूपी में अनाज सड़ने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। एफसीआई के गोदामों में अनाज रखने की जगह नहीं है, जिससे गेहूं से भरे ट्रकों को सड़कों पर खड़ा कर दिया गया है। रामपुर में हजारों टन गेहूं सड़ने की कगार पे आ पहुंचा है। दूसरी तरफ राज्य सरकार इसे केंद्र का मामला बताते हुए अपना पल्ला झाड़ने में जुटी हुई है। हक की आवाज में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप हमें सीधे कॉल करके बता सकते हैं कि आखिर किसानों की मुश्किल आपकी नजर में किस तरह की है। देश में अनाज की कमी नहीं है, भरपूर फसल हुई है, लेकिन एफसीआई के अधिकारियों की लापरवाही से बड़े पैमाने पर अनाज सड़ रहा है, तो दूसरी तरफ भुखमरी से गरीब मर रहे हैं। झारखंड के देवघर में भी यही हुआ है। देखिए रिपोर्ट। जो अनाज गरीब का पेट भर सकता था, भूखों को भोजन दे सकता था, वो कुछ दिन बाद किसी के खाने लायक ही नहीं रहेगा। रामपुर में पिछले 7 दिनों से ये ट्रक कैसे ही खड़े हैं। वजह है कि यहाँ के एफसीआई गोदाम में इन्हें रखने की जगह नहीं है। इसी वजह से उनमें रखा गेहूं अब सड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। हमारा तो मन तो ये है कि हम इसको गाड़ी को भी छोड़ दें और अपना आप भी कहीं डूब के मर जाएं। 10-10 दिन यहाँ खड़े हो गए, भूखे प्यासे, होटल व्यवस्था तो कुछ है नहीं। दूसरी बात, अधिकारी यहाँ कभी कहते हैं कि 10 गाड़ी खाली होंगी, कभी कहते हैं 20 गाड़ी खाली होंगी। अब खड़े हैं 10-10 दिन से। एफसीआई के अधिकारियों की ऐसी लापरवाही का ये कोई पहला नमूना नहीं है। इससे पहले भी कई बार एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ने की खबरें आ चुकी हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर कब एफसीआई के अधिकारी जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे। कब तक आम आदमी के पैसे से खरीदा गया अनाज कीड़ों के खाने के काम आएगा? क्या एफसीआई इस नुकसान की भरपाई करेगा? इनके स्टोरेज था, वो इसमें कुछ इनका खत्म हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब आइडेंटिफाई हो गया है। एक हमारे यहाँ पे बिलासपुर में था, वो मंडी चालू हो गई थी, और एक बूटा सिंह राइस मिल पे, अब उसमें स्टोरेज किया जा रहा है। बस उसी वजह से दिक्कत थी कि वो स्टोरेज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब नया चयन कर लिया है सेल का, अब नहीं है दिक्कत। प्रदेश में इस बार गेहूं की फसल अच्छी हुई, लेकिन उससे आम आदमी को फायदा पहुंचाने की बजाय सरकार इसकी बर्बादी होते देख रही है। रामपुर के एफसीआई गोदाम की क्षमता 115,000 मीट्रिक टन गेहूं रखने की है, लेकिन बाकी का ये 85,000 टन गेहूं खुले में सड़ने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइन। देशभर का यही हाल है। रामपुर की तस्वीरें आपको हमने दिखाई और बताने की हमारी कोशिश रही कि किस तरह किसान जितनी मेहनत से, खून पसीने से ये अनाज उपजाते हैं, उसके बाद का हाल क्या होता है। आपको 3 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। हाल समझने के लिए तस्वीरें काफी होंगी कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है प्रदेश भर में। 15 दिन से खड़े हुए ट्रक आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। सड़ने के कगार पे गेहूं यहां पे नजर आ रहा है। स्टोरेज की जगह नहीं है, ये हवाला दिया जा रहा है। इस मुश्किल को बयां किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। सवाल यह है कि आखिर जब अनाज को रखने की जगह नहीं है तो सरकार इस तरह के दावे क्यों करती है? क्यों नहीं वो फसल के पहले ही किसानों से ये कह देती है कि अगर इतना उपज आपके यहां पैदा होने वाला है तो फिर आप इसे रखने का इंतजाम भी कर लें। किसान कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लेंगे, लेकिन सरकार यह आश्वासन देती है, सरकार यह दावा करती है कि आप अपने अनाज को लेकर आए सरकारी गोदामों तक, हम उसे रखेंगे, लेकिन अनाज कई दिनों से यहां पर ट्रैक्टर पर, यहां पर ट्रकों पर यूं ही पड़े हुए हैं, सड़ने की कगार पे ये पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई इंतजाम अब तक नजर नहीं आ रहा है। स्टोरेज में जगह नहीं है, ये हवाला दिया जा रहा है। सवाल यही है कि किसान इतनी मेहनत से, खून पसीने से अनाज को पैदा करें और अगर इस तरह से अनाज सड़ेगा तो फिर आखिर क्या कहा जाए? इसे सरकार की बदइंतजामी कहा जाए, सरकार की नीयत पे शक किया जाए, या फिर ये माना जाए कि किसान की कोई चिंता ही सरकार को नहीं है? भूखे लोग एक तरफ नजर आते हैं, दूसरी तरफ सड़ता हुआ अनाज नजर आता है। ये 2 तस्वीरें अपने आप में बताने को काफी है कि हाल किस तरह का है। सर पकड़ के किसान बैठा हुआ है, सोच रहा है कि क्या करे इस तरह के हालात में। सरकार बोलती है कि अनाज जितना भी पैदा होगा हम सही दाम देंगे, आप गोदामों में इसे रखिए, समय पर बेचिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहां दिक्कत इतनी ज्यादा है कि किसानों को लग रहा है कि अब उनका अनाज यूं ही सड़ जाएगा, कोई और उनके सामने उपाय नहीं है। अनाज की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं, और इस तरह के हालात अगर बने हैं तो सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार क्या नहीं कर रही है। सियासत के लिहाज से रामपुर की अगर हम बात करें, काफी चर्चित जगह रहा है, सुर्खियों में हमेशा रहता है। खुद यहां से मंत्री हैं कद्दावर मंत्री आजम खान, प्रतिनिधित्व करते हैं इस इलाके का, लेकिन अगर तस्वीर यहां की यह है तो कई सवाल तो खड़े होते ही हैं।
प्रबुद्ध नगर से हमारे साथ हमारे एक दर्शक ललित शर्मा ने हमें कॉल किया, फोन लाइन पर बने हुए हैं। ललित, जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, आप भी तस्वीरों में देख रहे होंगे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगा, गरीब आदमी तो भूख से तड़प रहा है और अनाज ऐसे बर्बाद हो रहा है, इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और गरीब लोगों में कम से कम ये अनाज बंटवा देना चाहिए, जो उनके तो पेट भर जाए कम से कम। बिल्कुल, आम लोग भी कह रहे हैं गरीबों में अनाज बंटवा दिया जाना चाहिए, अगर सड़ेगा यूं ही अनाज तो बेहतर होगा कि आम लोग जो जरूरतमंद है उनके बीच इस अनाज को बांटा जाए। लेकिन सरकार पहले ही कह चुकी है, कृषि मंत्रालय कह चुका है कि इस तरह की नई लीक पर हम नहीं चलेंगे और मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगे। भले ही तमाम तरह की चीजों में मुफ्तखोरी वाली बात सरकार ऐलान करती रहती है, लेकिन इस मामले में नहीं, अनाज भले ही सड़ जाए। हजारों, यहां पे आप तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि हजारों टन अनाज नजर आ रहा है कि वो सड़ जाएगा अगर हालात इसी तरह के बने रहे। इसी तरह से ट्रैक्टर पे ही अनाज लदा पड़ा रहा, इसी तरह से ट्रकों पे ही अनाज कई दिनों तक सड़कों पे खड़े रहे, तो फिर कोई और उपाय नहीं होगा कि किसानों की ये जो उपज है, काफी मेहनत से जिसे उन्होंने जिस उपज को पैदा किया, वो यूं ही सड़ने के कगार पे पहुंचेगा। इसके सिवाय कोई और तस्वीर बनती हुई नजर नहीं आती है, सूरत आगे की यही नजर आ रही है। सवाल यही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? केंद्र सरकार पे पल्ला, केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलने वाला। राज्य सरकार की अगर बात करें, वैकल्पिक इंतजाम किए जा सकते थे, प्लास्टिक के शेड्स का इंतजाम किया जा सकता था, पॉलीथीन शेड्स का इंतजाम करके सरकार इसे कहीं स्टोर कर सकती थी, लेकिन यहां पे तो कोई इंतजाम ही नहीं है। यहां पे तो कोई ये कहने को तैयार ही नहीं है कि आपका अनाज ले भी लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकारी गोदाम में जगह नहीं है, हम अनाज रखेंगे तो कहां रखेंगे? अधिकारी ये कहकर पल्ला झाड़ते हैं तो सरकार चुप्पी साधे हुए नजर आती है। हमारे साथ रामपुर से हमारे संवाददाता ओमपाल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओमपाल, लगातार आपने हाल पहुंचाया है, किसान किस तरह से वहां मुश्किल में है और किस तरह से अधिकारी ये कह रहे हैं कि सरकारी गोदाम में तो जगह नहीं है। अब ये बताइए कि जो किसान वहां पे कई दिन से अपने ट्रैक्टर पे अनाज को लाद के वहां पे खड़े हुए हैं, ट्रकों पे अनाज रख के खड़े हुए हैं, कोई उपाय नहीं कि वो गोदाम में रखा जाएगा, वो किसान क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे वो? अमृता राव जी, मैं आपको बता दूं, अभी भी मैं एफसीआई गोडाउन के बिल्कुल गेट के सामने खड़ा हूं, वहां पर भारी मात्रा में अभी भी लाइन लगी है, ट्रैक्टर और ट्राली और ट्रक और ड्राइवर परेशान है बेचारे, उनको खाने तक का इतना पैसा नहीं है, कहां से लाएं, क्योंकि 10 और 15 दिन से लगातार वो लोग यहां पर ठहरे हुए हैं, उनके रहने और खाने के लिए भी कोई व्यवस्था यहां से प्रशासन ने नहीं कराई है। और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, कहां जाएं, किससे गए, क्योंकि जिस ठेकेदार का ये गेहूं है वो भी परेशान है और जिन किसानों का गेहूं है वो भी परेशान है। अभी पिछले दिनों आपने सुना ही होगा, एक किसान ने अपने गेहूं में आग लगा दी थी और यहां पर भी कुछ किसान इतने परेशान हैं कि अगर उनके दिमाग में ये बात आ गई कि हम भी अपने गेहूं को आग लगा दें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी अपने इस गेहूं को जला बैठेंगे। उनका दिमाग इतना जला हुआ है इस गर्मी में कि वो करें तो करें क्या। ओमपाल, आप आजम खान में लगातार मिलते रहे हैं, आप जिस तरह से रामपुर की बात करें तो आजम खान साहब से आप लगातार वहां पे मिलते रहे हैं। आजम खान यहां के कद्दावर मंत्री हैं, प्रदेश सरकार में उनकी दखल है, क्या उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया इस मसले पर? अधिकारियों की बात करें, वो तो मंत्रियों की सुनेंगे अगर दबाव बनाया जाए तो। इस तरह के हालात बने, क्या अंदाजा नहीं था सरकार को इस बात का?